स्थानीय शहर जलालाबाद में आज देर शाम को मोहल्ला गोविंद नगर निवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कल देर रात गोविंद नगरी के रहने वाले विक्की, जो कि वेटर का काम करता था, कि अपने ही घर में पंखे से लटकती हुई लाश मिली थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विक्की की हत्या हुई है तथा इसके पीछे उसकी पत्नी व एक अन्य व्यक्ति का हाथ है। उधर परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो दूसरा पक्ष वहीं पे मौजूद था तथा उन्होंने उल्टा उन पर ही विक्की को मारने के आरोप लगाने लगे। परिजनों का कहना कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि पत्नी ने अपने एक अन्य साथी से मिलकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान पहुंचे जलालाबाद के DSP अमरजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि मृतक के पिता के बयानों पर फिलहाल धारा 174 की कार्रवाई की गई है तथा अगर किसी पर शक है तो पुलिस को बताया जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पूरा मसला है जी, मुंडे का 2 महीने पहला ब्याह आया सी जी। वो करैक्टर लू जनानी से, वो करैक्टर तो गलत काम तो रोकदा सी जी। एक इथों दा सनीक हैगा इकबाल सिंह ज्ञानी मिस्त्री हैगा, वो जी जदों जांदा सी काम तो जांदा सी, ओदे कोले घरे बैठा सी, वो इस गल तो रोकदा सी जी। राती उसने फिर रल के दोवां ने उन्हूं मार के ते लमकाता जी। जदों ओदे प्यो नूं मार के जदों फोन कीता ओदे प्यो दे डैडी नूं आपदे नूं वी पता नहीं विक्की नूं की हो गया जी। जदों ओह गया ते उहने लाया फाया ते जदों रस्सा लाया तो आ मैं डॉक्टर लैके आनी है, तो आप आके थाने बह गए। असी फोन किया तो कितने क्या करे, असी गुरुद्वारे को आ गई, मैं कितने कह दिया करे कितने, असी आके थाने वेखा तो थाने बैठी हुई सी पहले ही मार। हुण असी धरना लाया असी जी, तो मुलाजम गए से उन्होंने बनती कार्रवाई करा। की मांग कर दे असी आने जी, इंसाफ होवे, परचा कट्टा जावे जनानी ते जी। की होया ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਮੇ ਛਿੱਕਦੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਬਈ ਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਬਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। उधर इस धरना प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर की कार पर प्रदर्शनकारियों ने ईंटों व लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कार का काफी नुकसान हो गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि धरना प्रदर्शन के दौरान राहगीरों का नुकसान करना और जब पुलिस के आला अधिकारी छुट्टी के बावजूद अपनी ड्यूटी पर तैनात है, उनसे शिकायत न करके सीधा धरना प्रदर्शन पर उतर आना कितना जायज है? जागती लहर के लिए जलालाबाद से अरविंद तनेजा की रिपोर्ट।